आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। शाहजहांपुर में आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं सांसद कृष्णा राज ने देश के किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहां की उत्तम कृषि तकनीक का लाभ पूरा विश्व उठा रहा है, परंतु हमारा ही किसान दुखी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य जारी करने की जानकारी भी दी। वहीं दलित आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। सबसे ज्यादा अच्छा काम हो रहा है और दलित समुदाय ही नहीं, सारा सबका साथ सबका विकास हमारा प्रारंभिक नारा है और देश के प्रधानमंत्री ने हम सबको दिया था और जो गली गली कूंजे में कूचा कूचे में गूंजा था, आज वो नारा जो है पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है और सबको सामाजिक स्तर पर न्याय मिल रहा है और विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि लगभग 70 साल तक विपक्ष ने पूरी तरह से देश को इसी तरह से बांट करके और देश की आज भी स्थिति गरीबी और बदहाल स्थिति में, जिसके लिए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी बेचैनी है। सबसे ज़्यादा दलितों का सम्मान और उनके आयु जो अनुयायी हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, उनको पता है, हम सबको पता है, लेकिन विपक्ष एक तरह से जिस तरह से पहले फूट डालो राज करो का करता था वही नारा लेकर राज बढ़ा, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो गई है, कभी भी इस आधार पे देश को बांट नहीं पाएंगे और दलितों का सम्मान, पिछड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान और सभी गरीब जो जरूरतमंद है उनका सम्मान, इसीलिए तो सबका साथ सबका विकास। जातिगत आरक्षण के विरोध में किए जा रहे भारत बंद का असर बलरामपुर में भी देखने को मिला, जहां आम जनमानस ने सड़क पर निकलकर शांति मार्च किया, साथ ही लोगों को जातिगत आरक्षण के विरोध में आने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान व्यापारियों ने भारत बंद को समर्थन देते हुए दुकानों को बंद रखा, साथ ही शांत प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप कर रैली का समापन किया। हालांकि मार्च के दौरान प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आया। दलित समाज के भारत बंद के बाद स्वर्ण समाज के भारत बंद के आह्वान को लेकर सुबह से ही सड़कों पर पुलिस की चौकसी देखी गई, जहां आगरा के सभी चौराहों को पुलिस ने छावनी बना दिया है। इस दौरान पुलिस के आला अफसर मीडिया के जरिए लोगों से शांति की अपील करते हुए नजर आए। हालांकि दो दिन पूर्व ही पुलिस प्रशासन से हुई बातचीत में स्वर्ण समाज ने बंद के आह्वान को वापस ले लिया था, लेकिन दहशत में आए व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानों को बंद रखा, तो कुछ इलाकों के स्कूलों को बंद कराने की खबरें भी सामने आई हैं। आगरा में बीते दिनों बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली थी, जहां एक होटल संचालक के परिवार पर बीजेपी नेता द्वारा हमला कराया गया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने जिला मुख्यालय कार्यालय पहुंच एसएसपी से मुलाकात की। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी बीजेपी नेता द्वारा इनके परिवार पर हमला किया गया था, तो वहीं अब पीड़ित परिवार एसएसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। आगरा के सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक सवार दो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ करते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। भारत बंद को देखते हुए गाजियाबाद में LIU पुलिस बल शहर में जगह जगह तैनात नजर आया। वहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरी निगरानी भी की जा रही है। इस दौरान सोशल साइट को भी पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है। हालांकि शहर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, जिससे सीमा पर लगने वाले अन्य क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा की समस्या आ रही है। फिलहाल जिले में धारा 144 को भी लागू किया गया है। कुशीनगर में पिछले 63 दिनों से बंधे के बचाव के लिए जारी आंदोलन को समर्थन दे रहे विधायक की गिरफ्तारी के बाद धरना स्थल जंग का मैदान बन गया, जहां विधायक की गिरफ्तारी के बाद वीरवट कोहवलिया फिर धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस ने उन पर बर्बरता दिखाते हुए जमकर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे बचाव के लिए ग्रामीणों ने भी पुलिस बल पर पथराव किया। इस दौरान गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और IG ने मौके का जायजा लिया है, साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित पुछड़ी का लौटा पर राजस्थान सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके चलते दर्जनों मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर दुकानदारों और ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि गरीबों के जो आशियाने तोड़े जा रहे हैं वह उनकी दो वक्त की रोटी कमाने का जरिया थे, जिसे तोड़ने से वह रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। बहराइच के कतनिया घाट अभ्यारण्य में बीती रात जंगल से आबादी में आए तेंदुए ने एक मासूम पर हमला कर दिया। वहीं मासूम की चीख सुन पास में सोए उसके दादा साहस दिखाते हुए उठे और तेंदुए से भिड़ गए, जिसके बाद दादा ने तेंदुए के जबड़े में फंसे अपने पोते को बचाने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन करीब 25 मिनट तक तेंदुए से हुए संघर्ष में दादा और पोते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको CHC में इलाज के बाद घर भेज दिया गया।
अलीगढ़ में टप्पल के गांव सालपुर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की इज्जत बचाने के लिए 3 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि किशोरी की मां के अपने 2 मुंह बोले भाइयों से अवैध संबंध थे, जिसके चलते वह किशोरी पर भी बुरी नजर रखते थे। जिसकी शिकायत किशोरी ने जब अपने प्रेमी को दी तो उसने गुस्से में आकर प्रेमिका की मां सहित उसके 2 प्रेमी पर फायरिंग कर दी और खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।